पत्ते का इकट्ठा करता है, तब बहुत भयंकर गुहाड़ छोड़ता है, उसके बाद आगने जाता है। पति है झूठ है, जैसे कि आपने सुना कि झूठ नहीं है तो बिल्कुल। यहाँ पे मैंने बहुत ही खतरनाक चीज़ देखी, जो हॉस्पिटल के बगल में देखना असंभव है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखिए हॉस्पिटल के बिल्कुल बाजू में कितनी सारी दारू की बोतल। अब ये हॉस्पिटल वालों ने पी है या किसी और ने वो ले पी लिया है है? जहाँ जहाँ पे, नहीं तो ही बोले पहले ले बो, जितना हो सके मेरे भाई को लाइक कमेंट शेयर करें इस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सोच रहे होंगे ये नई जगह कहाँ पे हूँ, तो कोई नई जगह नहीं है, ये मोहित के घर पे सोने आया था मैं रात में। तो हमने यहाँ रात में मतलब 10:30 बजे बिरयानी सिरयानी बनाई, खाए पिया तब सो गए। और अभी मैं सोनू को लेके वहाँ हॉस्पिटल जाऊँगा, कोरोना का मतलब वैक्सीन लगाना है उस पर। तो मैं सबसे पहले फ्रेश व्रेश होता हूँ, घर जाता हूँ और मुँह हाथ धोता हूँ। तो आप हो गए कब का भाई? ये आगता वक्ता नहीं है, एक हफ्ते का इकट्ठा करता है, तब बहुत भयंकर गुहाड़ छोड़ता है, उसके बाद आगने जाता है। पति है झूठ है, जैसे कि आपने सुना है कि झूठ नहीं है बिल्कुल भी। तो चलते हैं घर पे, और मोहित भाई अभी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो तेरा चार्जर तो है ही, मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ बोल के गेट तक चले गया था, भूल गया था कच्चे मच्छे भी तो मतलब लोअर भी तो पहनना है, कच्चे बनियान में सो रखा था तो अब पहनते। तो अब मैं निकल गया हूँ घर के लिए। और आजकल वैसे गाँव में मतलब लोग आने शुरू हो गए हैं, जैसे जून जुलाई करीब मतलब जून करीब करीब आने लगता है ना, वैसे वैसे गाँव में लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो अभी मतलब छुट्टी मनाने खुशी, और मतलब हमारे घर के थोड़े ऊपर ही रहते हैं, वो आए हैं तो दिखा दूँ आपको। ओए, मैंने आज दो चोरों को पकड़ ही लिया गाइस, देखिए देखिए एटीट्यूड किंग खुशी। तेरे नाम के पीछे क्या लगता है? बमोला। देखा, देख लिया, ये देखिए कि कितनी प्यारी और सुंदर है खुशी। अच्छा ये है, मैं तो इसे समझ रहा था। इसके लिए ना वो चाहिए होता है माइक, ठीक है ना? जरूरी नहीं हमारे फोन में ऐसी क्वालिटी खा आती है। माइक मेरे पे भी है पर। तो मोहित भाई भी आ गए हैं हमको यहाँ पे बातचीत करते हुए देख के। और यहाँ लखेड़ा भाई गेट नहीं खोल रहे काफी टाइम से, तो ये दोनों प्रयास में लगे हैं कि कब खोलेंगे कब खोलेंगे। आपके फैन आए हैं बाहर। ये मामी जी गाय का दूध निकालने के लिए डोलची लेके जा रही है निकालने के लिए। आपके बाहर आए हैं गाइस, ये है, ये निकल गए हैं वैक्सीन लगाने के लिए, नाश्ता वास्ता कर लिया। और हमारे साथ है हमारे प्रिय मोहित भाई, और पीछे से सोनू जिस पे वैक्सीन लगनी है। तो अभी हम सड़क में जा रहे हैं, बाइक में पेट्रोल भी नहीं है और गवाड़ी में भी नहीं है, देखते हैं कहाँ तक जाएगी, क्या पता अटक जाए हम या पहुँच जाए। हाँ काट आला, तो इसकी पंडित ने फोन काट दिया जैसे कि आपने देखा। क्या काट आला? क्या काटा? कॉल भी जा रहा, मैंने कहा काट दिया। किसका है? किसका का? तो अगर शिवानी दीदी अगर आपको इसने अभी 9:30 बजे कॉल करी है तो बताना, नहीं तो ये झूठ बोल रहा है। और ये झूठ बोल रहा है और तो हम ये लुईठा पार कर दिया हमने। और यहाँ पे भी एक गाय ऊपर से गिर गई, क्योंकि मतलब रास्ता ब्रीक है गांवों का ऐसी होता है, और वो नीचे की तरफ गिर गई है। तो अब डॉक्टर बुलाया उन्होंने, उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी मतलब अंदर की तरह डैमेज हो गई है, तो देखते हैं ठीक होगा कि नहीं। आते टाइम हम हेल्प कर देंगे अगर वो इधर उधर ले जाएंगे तो। अभी तो उन्होंने बोला कि यहीं पे रहने देंगे, थोड़ी सांस ले देंगे, तो देखते हैं थोड़ी देर। तो हम ये पहुंच गए पीछे के ढाबा के ऊपर, हॉस्पिटल है जहाँ पे वैक्सीनेशन होना है। और यहाँ पे डॉक्टर नहीं है बोल रहे हैं, क्योंकि बल कि 8-9 जब इकट्ठा आएंगे तब लगेगी, मतलब हमारा आने का जो भी संघर्ष था वो ख़त्म हो गया। एक अंकल जी मिले, उन्होंने बताया। तो अभी ऊपर पूछ के देखते हैं क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होगा। तो लगे यहाँ की हाइट देखिए, हाँ गाल गलाने। तो गाइस हम मतलब पूछ के आ गए अंदर थे, और डॉक्टर ने बोला थोड़ी देर इंचार्ज करो एक आध घंटा, क्योंकि और लोग आएंगे, जैसे कि दो आते हुए दिख रहे हैं, पर हाँ बच्चा भी है उनके साथ, एक बच्चा मतलब आ गया है। तो दो हो चुके हैं, 8 मतलब 10 बोले उन्होंने टोटल, 10 और चाहिए। और वैसे
देखते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही खतरनाक चीज़ देखी जो हॉस्पिटल के बगल में देखना असंभव है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए हॉस्पिटल के बिल्कुल बाजू में कितनी सारी दारू की बोतल। अब ये हॉस्पिटल वालों ने पिए या किसी और ने फेंकी है यहाँ, अब ये तो हमें नहीं पता, पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी है यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा। मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि सर जी वैक्सीन नहीं लग रही है, तो आप नंबर ले लो, अगले दिन अगर 7-8 हो जाएंगे तो हमें भी फ़ोन कर देना, हम भी आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला थोड़ी देर रुको, लग रहा आज वो हमारा टाइम बर्बाद करना चाह रहे हैं, कोई होगा तो यहाँ सुनेगा तो कहीं मारने आ जाए, इसीलिए हम थोड़ा साइड में आ रहे हैं। तो मोहित जी आप बताइए डॉक्टर के क्या विचार है? डॉक्टर के बढ़िया विचार है, वो सोच रहा लगा दें, वो शायद लगा देगा एक वैक्सीन बर्बाद करके, शायद मेरे को ऐसे लग रहा है वो वैक्सीन बर्बाद करके पैसे लेके लगा देगा, दे देंगे उसको 1,500 रुपये, पैसों की कमी है, पैसों की कमी है, यहाँ गरीब इंसान है। चल अपने बारे में लोग जानते नहीं है तेरे को, इधर मुड़ जा, लोग तेरे को जानते नहीं है, तो अपने बारे में कुछ बता। लोग सब जानते हैं, इन्हें पास से नहीं इन्हें दूर से, तो लोग जानते हैं मुझे अच्छे से। तो अभी भाई ने स्लोमो बनाई है, देखना शाम को अपलोड करेगा। अभी नहीं, शाम को देंगे। होटो पे थूक लगा रहा है ऐसे तो क्या हो गया? अब स्क्रीन शॉट लेके इसको बदनाम कर दूंगा। कोई बात भी, कोई मैं पहली गा था। तो गाइस आप देख सकते हैं मोहित को प्यार हमने वो ले लिया है, जहाँ उनसे हमने वो ले लिया है जहाँ जहाँ पे नहीं, तू ही बोल पहले ले वो जितना हो सके मेरे भाई को लाइक कमेंट शेयर करे, इसकी वीडियो आगे से आगे बढ़ रहे। तो डॉक्टर ने बोला है कि उन्होंने हमको लिस्ट दे दी जहाँ जहाँ पे लग रहे हैं, अब हमने वहाँ वहाँ पे जाके मतलब उस दिन देखेंगे, अगर लग रहे होंगे तो बहुत सारे गाँवों के नाम है इसका कटेगा, तो अब देखते हैं। मैं घर पर पहुँच गया, कैमरा गंदा हो रहा था थोड़ा सा, हाँ तो मैं घर पे पहुंच गया हूँ और मोहित चले गया है चौबट्टा खाल अपनी मामा की लड़की को लेने, और हम आ गए, वैक्सीन तो लगा नहीं, अब लिस्ट है उसमें देखिए कौन से तारीख कौन से गांव में लग रही है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो अभी घर पे चल रहे हैं, ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय। I should fuck her in the best, yeah.